हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही सलामत होंगे। अगर आप भी फोन पे यूज कर रहे हैं और आपका जो है पैसा ट्रांजैक्शन फेल हो जा रहा है और आपके मन में भी डाउट हो रहा है कि आपका पैसा कब तक आएगा, या आप रिचार्ज कर रहे हैं और किसी कंपनी का गलत नंबर पे चला जाता है, या आप इंश्योरेंस कर रहे हैं, या फोन पे में किसी भी ऐप का इस्तेमाल करके आप जो काम कर रहे हैं अगर आपका उसमें पैसा फंस जाता है, या किसी प्रकार का दिक्कत आता है, समस्या आता है, कंपनी ने दोस्तों बहुत सारे इसमें गाइडलाइन दे रखी है जिसका इस्तेमाल करके आप जो है बहुत सारे समस्याओं का है दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानकारी देने वाले हैं कि लेन देन की समस्या का आप कैसे उसको दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको फोन पे के होम स्क्रीन पे आ जाना है। जैसे ही आइएगा तो कोने में देखिए यहाँ पे सर्कल में आपका जो है क्वेश्चन मार्क है, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों आपको जो भी इशू है इस ऑप्शन से में आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर हम यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है ट्रांजेक्शन फेल हुआ है इसकी वजह से आए हैं, तो यहाँ पर देखिए हैव एन इशू विथ आर ट्रांजेक्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको इसमें इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो इसको आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पे हिंदी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा लेन देन में कोई समस्या है इसीलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी जहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन फेल हुआ है उसको आपको चूज कर लेना है। जैसे ही चूज कीजिएगा तो अगला इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे देखिए लेन देन में कई समस्या है। तो यदि आपको फोन पे पर आपके द्वारा किए गए किसी भी पेमेंट में समस्या आ रही है तो कृपया नीचे दी गई जानकारी देखें। तो अगर दोस्तों आपको इसमें से कोई भी आपको दिक्कत हुई है और इसमें से आपका जो है जैसे असफल पेमेंट के साथ समस्या, या पेंडिंग पेमेंट के साथ समस्या, या सफल पेमेंट के साथ समस्या, या मर्चेंट को किए गए पेमेंट के संबंधित समस्या, या रिफंड के संबंध में समस्या, तो आप यहाँ पर जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा असफल पेमेंट के साथ समस्या है तो यहाँ पे हम यहाँ क्लिक करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि आपका जो है असफल पेमेंट के साथ समस्या किस कारण से हुआ है और कैसे हुआ है। तो मेरा जो है दोस्तों UPI पेमेंट असफल क्यों हुआ है तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम UPI से रिलेटेड देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए UPI से हमने किया था तो यहाँ पे हमको कितना सारा रीज़न बता रहा है कि हमारा जो UPI से है पेमेंट क्यों फेल हुआ था। तो आप हमको धीरे धीरे हम बता रहे हैं कि आप कैसे यहाँ से पता कर सकते हैं, हम यहाँ पे आपको जानकारी दे रहे हैं। तो फोन पे पर आपका UPI पेमेंट नीचे दिए गए किसी कारण से असफल हो सकता है। UPI नेटवर्क की समस्या, बैंकों के साथ तकनीकी समस्या, या गलत UPI पिन, आपके बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, बैंक में UPI की सीमा पूरी हो गई है, या सुरक्षा के संबंध में रखते हुए, या अन्य बैंक के खाते में संबंधित। तो इससे दोस्तों आपका जो है इन सारी तकनीकी कारण के कारण आपका जो है पेमेंट फंस सकता है। तो दोस्तों इसका भी आपका असफल क्यों हुआ है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे असफल UPI पेमेंट के आपको रिकॉर्ड करना है और यहाँ पर देखिए अगर आपका दोस्तों बैलेंस कट गया है तो आपको इसमें साफ साफ दिखा रहा है कि आपका जो है अगर आपका पैसा आपके बैंक के खाते से किसी असफल पेमेंट के लिए काट लिए जाता है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका पैसा आपके बैंक में के पास बिल्कुल सुरक्षित है। इसके द्वारा पेमेंट करने की तिथि 3 से 5 दिनों के अंदर जो है आपका खाते में पैसे आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सही जानकारी दी रखी है कि आपको जो है 3 से 5 दिन 38 से 48 घंटे में आपका जो है पैसा रिफ़ंड हो जाता है। नहीं है तो आपको जो है बैंकों से रिफ़ंड के द्वारा आपको जानकारी लेनी पड़ेगी और जाके वहाँ पर आपको कंप्लेन करना होगा। और दोस्तों यहाँ पे वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।